देखिए, अपने एक्टर्स को एंटरटेनमेंट वॉरियर्स कहना ऐसे ही नहीं सोचा हमने। वाकई में इनमें से कई लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि सामने आकर सलाम करने का मन करता है। ऐसे ही दो लोग हैं, विराट पटेल और सलोनी खन्ना। हाल ही में 6 मई को दोनों ने कोर्ट मैरिज की, और क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, जाहिर सी बात है कि जितनी लैविश वेडिंग वो करना चाहते थे वैसी हो नहीं पाई, लेकिन उसका बजट तो था और उन्होंने ये बजट कोविड रिलीफ में डोनेट कर दिया। तो चलिए आज इस न्यूली वेड कपल से करते हैं मुलाकात, सलाम भी करेंगे और इनसे आगे के सफर के बारे में कुछ मजेदार बातें भी करेंगे। ओके, सो बिराफ एंड सनोनी, आप दोनों का स्वागत है SBS ओरिजिनल्स में। सबसे पहले आप दोनों को बहुत सारी बधाइयां इस नई शुरुआत के लिए। सबसे पहले बताइए, कैसा लग रहा है ये लॉकडाउन वेडिंग अगर पूछा जाए तो? कैसा लग रहा है? फंस गया हूं मैं और क्या बोल सकता हूं आप, अभी लॉकडाउन हो गया मेरे साथ। सलोनी के साथ लॉकडाउन हो गया होगी और कहीं भागने का कोई चारा भी नहीं है, तो अच्छा है, अभी इससे बेहतर ही होगा सब कुछ जो भी होगा। सलोनी क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक इतना टाइम मिल रहा है एक दूसरे के साथ, फैमिली के साथ, सो इट्स एक्चुअली ये टाइम कहाँ ही मिलता था, हम सब भागते रहते हैं इधर उधर, जैसे कि हम 2 दिन पहले सलोनी के घर आए दिल्ली, उनकी दादी से मिलने, क्योंकि दादी ने कहा था देखो शादी हो गई है, अब मेरा दूसरा वैक्सीनेशन हो गया है, तो अभी आप लोग आ जाओ और थोड़ा, तो हम दादी को मिलने आ गए 2 दिन पहले, और आज ही सलोनी ने दादी से आटे का हलवा बनाना सीख लिया। ओके, तो पहली रसोई में क्या मिला? तो आज एक पॉइंट वहां हमारी प्रोग्रेस हो गई और बहुत अच्छा हलवा बनाया सलोनी ने। अक्सर वो किचन में जाने से इतनी कुछ एंथुजियास्टिक नहीं होती है, जिससे मुझे तो एतराज नहीं है क्योंकि मैं किचन में काफी कंफर्टेबल हूँ, पर आज सलोनी ने क्या हलवा बनाया, तो ये लॉकडाउन का एक बड़ा फायदा हो गया। लेकिन सलोनी एक मतलब कह सकते हैं रूल होता है जहाँ पे पहली रसोई के बाद नेक मिलता है, तो क्या नेक मिला आपको विराफ की तरफ से? अच्छा, ऐसा होता है जी? ये तो अच्छा कि आपने मुझे बता दिया, मुझे नहीं पता था ये होता है। मैं लिखने वाली हूँ, आई थिंक अब तो पेनल्टी लगेगी, जो मैं मांगूंगी वो देना पड़ेगा। अभी मुझे ये इंटरव्यू भारी पड़ गया यार। लेकिन कहीं ना अभी जिस तरीके से हालात हैं, कब शादी तय हुई थी और इंतजार करके और आप दोनों ने डिसाइड किया कि 5 मई को रजिस्टर वेडिंग करेंगे, कब हुई थी फिक्स वेडिंग? मैं बताऊं? देखो ये सलोनी मानेगी नहीं, पर मैं बता देता हूँ कि हम मिले थे 2018 के एंड में, कुछ नवंबर के आसपास, और कुछ 1-2-3 हफ्ते में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये भाई लड़की से शादी करनी है, और मैंने मेरे स्वभाव में वो जिक्र कर दिया था कि भाई मेरा ये इरादा है। तो फिर सलोनी का कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, और क्यों ना हो, मैंने कहा आप अपना टाइम ले लीजिए, ये मेरा इरादा है। तो फिर ऐसे सलोनी ने मुझे अच्छे से टेस्ट ड्राइव किया 1 साल तक, और हम उसके दोस्त के शादी में गए थे, और वहां पे उसकी बेस्ट फ्रेंड के जो ससुर थे, नए नए ससुर, उन्होंने हमें पूछ लिया कि भाई अच्छा तुम लोग तो अभी बड़े खेल कूद रहे हो शादी में, तुम अपनी शादी कब मना रहे हो? तभी सलोनी के मुंह से निकल गया हम दिसंबर 2019 में कर लेंगे। हाँ, 2020 में कर लेंगे जी। बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये बात हो गई, और so happened that the lockdown happened 2020 में, मार्च 2020, हमने सोचा चलो अभी ये टाइम जाने देते हैं, फिर पोस्टपोन कर लेते हैं, थोड़े बेटर टाइम्स में करेंगे। फिर फर्स्ट वेव के बाद जो थोड़ा चीजें थोड़ी सी खुलने लगी और ऐसा लगने लगा कि अब कुछ हो सकता है, तो फैमिली वालों ने कहा क्या अब शादी करनी है तुम्हें, तो हमें प्लानिंग के लिए थोड़ा टाइम तो दो यार, 2-3 महीने दे दो। वैसे 2-3 महीने में फिर हमने
जाके कोर्ट में एप्लीकेशन किया वगैरह वगैरह। और हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट है क्योंकि ये पारसी है और मैं पंजाबी हूँ, तो एक महीने का वेट तो मिनिमम है ही। तो आई थिंक कोर्ट ने बोला था मई में आप डेट चूज कर लीजिए, तो हमने 6th of May चूज कर ली थी एंड वो फिक्स हो गई थी। आई थिंक फरवरी मार्च में भी और फिर हमने बहुत सारे कुछ चीजें प्लान की थी और फिर सेकेंड वेव शुरू हुआ और ऐसा सही नहीं लगा कि भाई हम ये कर सकते हैं। एक तो पाबंदी भी थी और माहौल भी ऐसा कुछ था, सेफ्टी सेहत का इशू वगैरह। तो हमने फिर आखिर में डिसाइड किया कि चलो 6 मई को हम कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं, ये थप्पा ले लेते हैं सरकार से दुनिया से कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सकते हैं। ये सच पूछो तो मुझे पता नहीं है और शायद किसी को भी दुनिया में पता नहीं कि कोविड का दौर कितने टाइम तक चलने वाला है, कैसे चलने वाला है, कब तक रहने वाला है, कैसे चीजें होगी। पर वो अभी हमारे जिंदगी का हिस्सा है और हमें उसको साथ लेके चलना है। तो मैंने लड़की को बोला भाई तुम राजी हो जाओ इसके लिए। लड़की मान गए, घर वाले मान गए। हाँ मेरे मम्मी डैडी, उसके मम्मी डैडी आ नहीं पाए शादी में, जो भी हमने छोटी सी शादी जो निभाई, पर उन्होंने मुस्कुरा के वीडियो कॉल पे ब्लेसिंग्स दे दी क्योंकि शायद वो भी कभी सोच नहीं सकते थे कि कोई ऐसा दौर आएगा कि बच्चों के शादी में जाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता। तो हमने वो दिन भी देख लिया, हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। तो पर हो गया और आज हम उनको अलग अलग जाके मिल रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं बेस्ट तरीके से उनका। अभी मेरे मम्मी डैडी का भी अभी सेकेंड वैक्सीनेशन हो गया है तो हम एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ के उनको भी मिल लेंगे और अलग अलग तरीकों से सेलिब्रेट करेंगे। नहीं जो नया अच्छे से समझाया जी, तो जो ये नया तरीका है वो तो हमने सुन लिया। सलोनी एक धूमधाम वाली होती है ना शादी, हर एक फंक्शन मेहंदी हल्दी, वो ना होकर के लाखों रुपए खर्च ना होकर के कुछ हजार या फिर यूं कह लीजिए कुछ 100-200 रुपए में शादी करना, ये एक किस तरीके से आप इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहेंगे? आई थिंक आइडिया ये होता है शादी का कि एक बार होनी है लाइफ में, तो ऐसी हो कि याद रहे लाइफ भर, मेमोरेबल होनी चाहिए। तो उसके लिए कई बार हम 10 फंक्शन करते हैं, कई बार हम एक फंक्शन बहुत धूमधाम से करते हैं, जो 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 इच्छा होती है उस टाइम पे हम वो सारी पूरी करते हैं। पर ऐसे हालात थे, ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि ऐसे शादी तो हम नहीं कर सकते, या तो हम वेट करते। और जैसा विराट ने कहा कि कब तक ये होगा, कैसा होगा, क्या होगा, पता नहीं, हम ऑलरेडी इतना वेट कर चुके थे, तो या तो हम वेट करते, वो हमने कहा हम वेट नहीं करते, अब अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं। और फंक्शन वंक्शन तो होते रहते हैं ना लाइफ में, आपके पास कितनी सारी ऐसी मोमेंट्स आएंगे, ऐसे दिन आएंगे जो आप धूमधाम से सेलिब्रेट कर सकते हो। एंड जहाँ तक मेमोरेबल बनाने का टाइम है, ये मेरे लिए बहुत मेमोरेबल हो गया। आई मीन जिस तरीके से हमारी शादी हुई, जितनी सिंप्लिसिटी से हुई, यू नो हम सब लोग वीडियो कॉल पे थे और इतना प्यार मिला कि मुझे लगा ही नहीं कि वो दिन इतना मेमोरेबल एनीवे हो गया मेरे लिए कि मैंने किसी चीज़ को मिस नहीं किया, एक्सेप्ट फॉर मे बी द फैक्ट कि मेरे पेरेंट्स वहाँ नहीं थे, मतलब इन फिजिकल प्रेजेंस नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस। अदरवाइज इट वॉज जस्ट परफेक्ट, सिंपल वेडिंग थी, हम दोनों थे, अच्छा खाना खाया हमने, उसके बाद हमारे 2-3 दोस्त जो विटनेस थे वो हमारे साथ थे, बात बैठ के बातें करी, हंसी मजाक किया, वीडियो कॉल्स में बात कर रही। मैं इतना थक गई थी रात तक कि मैं विराट को यही बोल रही थी कि यही अगर 3 दिन के फंक्शंस होते तो मुझे नहीं पता मैं कैसे करती क्योंकि इतने में ही मैं तो थक गई। तो बहुत मेमोरेबल हो गया था। आई थिंक दैट इज द पॉइंट कि लाइफ भर याद रहे, और मुझे तो लाइफ भर याद रहेगा। और आप दोनों ने कोई एक फैसला भी लिया है कि शादी के खर्चे से जो भी पैसे बचे हैं या फिर जो चीजें आपने सोची थी वो आप कहीं डोनेट करने वाले हैं, उस बारे में कुछ बताइए? देखिए आप जब ऐसे माहौल में जीते हो तो
आप जाहिर सी बात है आप अपने आसपास जब देखते हो कि कुछ लोगों को ज्यादा मुश्किल होती है नजर आता है, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप नजरअंदाज कर दो उस बात को और अपने जो जगह में रह रहे हो वो आप उसमें महसूस रहिए और उसमें भी कोई गलत काम नहीं, अगर उससे आपको आप ठीक महसूस करते हो तो ठीक है, आप जी लीजिए अपनी जिंदगी। दूसरा तरीका है कि आप जितना आपसे बनता है आप अपने आसपास या जहां पे भी जहां तक आपका हाथ पहुंच सकता है आप उतनी मदद कर दीजिए, और उससे सिर्फ ऐसा इस सोच के वजह से नहीं कि भाई देखो उनकी कितनी मदद होगी, नहीं, इस सोच से कि भाई हमें कितना अच्छा लगेगा, तो ये हमारे जिंदगी में मायने ज्यादा रखता है, उनको अगर उस चीज से कुछ फायदा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, दुआ लग गई उससे भी और अच्छी बात है, पर हमारे अंदरूनी तौर पे हमारे मन को जो हमें अपने मन के साथ जीना है वहां पे थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि भाई ठीक है, एक तसल्ली होती है कि जितना मुझसे बन पाया मैंने किया और इस करने की वजह से शायद मुझे मेरे जिंदगी में थोड़ा सा और मतलब या अर्थ मिला, बस। तो ये एक्चुअली हम एक मतलबी तौर से ही कर रहे हैं, ये कोई बहुत ही कुछ या कि कोई अरे भाई कोई मसीहा बनने की कोई कोशिश नहीं है ऐसी कुछ, ये करने से हमें मुक्ति मिलती है एक तरीके की, हेल्पलेसनेस कम हो जाती है। हाँ, और जो हेल्पलेसनेस फील होती है ना कि आप घर पे बैठे हो कुछ कर नहीं पा रहे, बाहर भी नहीं जा सकते, जाके फिजिकली कुछ हेल्प नहीं कर सकते, तो जो कर सकते हैं एटलीस्ट वो तो करके करें, जितना आप कर सकते करिए, ये आइडिया। और आसपास सब हमारे सब जिनको भी हम प्यार करते हैं, आप अपने कोई अपने वॉचमैन को खाना खिला रहा है, सब अपने किसी के लिए दवाइयाँ खरीद रहा है, कोई किसी के लिए, कोई सिर्फ कंटेंट डाल रहा है लोगों को हंसाने के लिए, फ्री में क्लासेस दे रहे हैं, आई थिंक सबका एक अलग अलग तरीका है हेल्प करने का, हम दोनों का शायद ये एक ये हमारी कोशिश है, बस यही सोच है इसके पीछे। सो गुड। अच्छा, अभी सलोनी के लिए कहा जाए तो एक गुड टाइम शुरू हो गया है, अभी शादी और Broken but beautiful, फिर Sun Plan, back to back release है, क्या कहना चाहेंगे सलोनी, कितनी excited है Broken but beautiful? पहले कि ये कुछ कहे, इससे आप मनवा लो कि मैं उसका लकी चार्म हूँ, देखो शादी करते ही ये सब हो गया, मुझे भी इसका श्रेय मिलना। Actually सारा श्रेय इन्हीं को जाता है क्योंकि ये तो शादी से पहले ही हो गए थे वैसे, पर क्या बात, पर हुए तुम्हारी वजह से, ऐसे ऐसे हुए फिर आपकी वजह से ही थे, क्योंकि जब से मैं इनसे मिली हूँ यही है जो मुझे पुश करते हैं कि और काम करो, ऐसे करो, इन माय बेस्ट इंटरेस्ट ऑलवेज, और मैं थोड़ी सी लेजी हूँ तो वो पुश मेरे लिए बहुत जरूरी होता है जो इन्हीं से मिलता है, सो आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द क्रेडिट गोज़ टू यू। जैसे कि ये आटे का हलवा का भी क्रेडिट मुझे ही मिलना चाहिए जो आज सलोनी ने सीख लिया है, वैसे ही ये देखो आई एम लाइक आई थिंक पार्टनर, आई थिंक बेस्ट पार्ट ये हम दोनों सेम फील्ड से हैं, तो एक दूसरे का काम समझ पाते हैं, एक दूसरे के स्ट्रगल समझ पाते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर पाते हैं, तो हेल्प तो आपने बहुत किया है एंड अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज ऑफ हिज सपोर्ट हेल्प, मेरे दो शोज आ रहे हैं बैक टू बैक एक हफ्ते के गैप में, और दोनों ही बहुत बहुत अच्छे प्यारे शोज हैं, दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है, दोनों ही इन टाइम्स में लोग देखेंगे तो दे विल स्पेशली सनफ्लावर कॉमेडी है तो दे विल लाफ आउट, एंड आपका ब्रोकन बट ब्यूटीफुल है सो मच ड्रामा एंड सो मच रिलेटेबिलिटी इन इट, सो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड, दो ऐसे शोज बाहर आने वाले हैं, माई फिंगर्स आर क्रॉस्ड। आप क्या कहना चाहेंगे इनके लिए, इनके किरदार के लिए स्पेशली? I don't know. I'm actually quite happy with what and proud about how she's doing and what she's doing. What I like about Saloni's approach ki wo zyada apne aap ko apne vicharon ke bojh mein nahi rakhti. हम आर्टिस्ट हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलते रहता है, मैं
ऐसा रोल करना चाहती हूँ और मैं जब एक्टिंग करूंगी तो मेरा ऐसा आना होना चाहिए, मेरी नाक ऐसी दिखनी चाहिए, मेरे बाल ऐसे दिखने चाहिए, मेरी आवाज ऐसी होनी चाहिए। और कहीं कहीं हम उस सोच के बोझ में फंस जाते हैं और सलोनी बड़ी आसानी से उस बोझ से निपट लेती है। वो मुझे उसमें बहुत अच्छी बात लगती है कि वो बड़े साधारण तरीके से अप्रोच करती है। भाई अच्छे लोग हैं, सुनील ग्रोवर है, विकास बैल है, अच्छा ही होगा, कुछ सीख के ही आऊंगी मैं। उस रोल 5 मिनट का हो या 5 घंटे का हो, मैं कुछ सीख के आऊंगी। तो वो उस नजरिए से जाती है और आती है, तो मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि और उसने अभी तक सारे डिसीजन ऐसे ही लिए हैं। जब उसको ब्रोकन और ब्यूटीफुल की बात छेड़ी गई थी तो उसने मुझे बोला था कि ये ब्रोकन बट, मैंने कहा हाँ यार अच्छा है, एकता बहुत अच्छा कंटेंट बनाती है, वो अपने फील्ड में जानी मानी है, तुम सीख के ही आओगे। उस और शायद इसका अभी उसको बेनिफिट दिख रहा है और शी इज लर्निंग, और अब मुझे भी एक दो बात उसे सीखने मिलती है। तो अच्छी बात है कि वो जब काम पे जाती है मुझे आके किससे सुनाती है कि हमने ये सीन ऐसे शूट किया, फिर एक्चुअली फिर डायरेक्टर ने ये कहा, फिर ये हुआ। अच्छा, तो मुझे भी 4 बातें सीखने मिलती है। पता चली है कुछ ऐसा जो यार क्यों ये ऐसा कुछ एक इरिटेशन वाला अगर पूछा जाए तो मतलब आप... दिन में नहीं तो मुझे पहले 1-2 दिन में पता लग गई थी जैसे कि वो आज तक है हमेशा लेट होते। देखो जैसे कि हम ये इंटरव्यू कर रहे थे तो उसके 15 मिनट पहले सलोनी का चहचह शुरू हो गया। देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम कहां कंप्यूटर खोलो, ये करो ये, पर मुझे वो 15 मिनट पहले करना पड़ता है तभी वो टाइम पे स्टार्ट होता है। यही मैंने 5 मिनट पहले वी स्टार्टेड ऑन टाइम बिकॉज़ आई स्टार्टेड ऑन टाइम, थैंक्स टू सलोनी, इसका क्रेडिट सलोनी को जाता। सो अगर मैं अकेले होता तो मैं शायद अभी आता। पर मेरी भी कुछ बातें हैं जो इनको पहले, द बेस्ट पार्ट इज जब आप एक दूसरे को पहले से जानते हो या इतना टाइम स्पेंड किया होता है एक साथ, तो अनोइंग हैबिट्स तो आपको पहले से ही पता होती है। जैसे मैं बहुत मेसी हूं और ये बहुत हर चीज जगह पे होनी चाहिए और नहीं हर ये पिलो यहाँ है तो यहाँ होना चाहिए, ये ग्लास यहाँ है तो इधर होना चाहिए। अब मैं इतना नहीं सोचती, कहीं भी पिलो, कहीं भी ग्लास, कहीं भी उन्हीं से जान लेते हैं। चलिए विराफ आप बताइए इनके बारे में। भाई जो मैं बोलने वाला था मैडम ने बोल लिया कि वो बड़े प्यार से ऐसे बोल रही है जैसे कि ऐसी कोई खराबी खामी है ही नहीं, मैं देखो मैं कितनी अच्छी हूँ। पर आप उनका कमरा देखोगे तो शायद आपको ऐसा फीलिंग नहीं आएगा। तो जो अब बट कोशिश कर रही है वो, और हलवा खिलाया है ना, हलवा खिलाया आज, रिश्वत तो दी है हलवा, तो आपको लेट देना बाकी है। और नहीं ये तो अच्छा वो तो भूल गई थी, आपने फिर से याद दिला दिया। ये क्या निश्चय, ये मैं नहीं भूलूंगी, नेकी और कुछ सोच रही है अभी तो। Actually, that is the irritation about it. But वो actually कोशिश भी करती है। अब वो मेरे आने से पहले कुछ ठीक करने की कोशिश कर ही लेती है कि अरे ये आके फिर से चेचे करेगा, उससे पहले मैं ये उठा के यहाँ रखती थी। Okay guys, thank you so much and all the best Saloni, आपको अपनी दोनों upcoming projects के लिए और आप दोनों को एक अच्छी life और smiling healthy life के लिए। ABP News आपको रखे आगे।